फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। स्टेशंस एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए बहराइच नानपारा गेज कन्वर्जन का अपडेट लेकर आए हैं। नानपारा से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह स्थित है। यहाँ पर हम आप लोगों को पहले भी कई बार अपडेट दे चुके हैं। लोहिया पुल जो चीनी मिल के पास में बना हुआ करता था उसको तोड़ दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। और बहुत जल्द यहाँ पर भी पुल बनाने का काम तेज़ी से किया जाएगा। तो शुरुआती चरण में हमने आप लोगों को दिखाया था कि जो रॉ मटेरियल है पुल बनाने के लिए वो यहाँ पर आ गए हैं। इसके अलावा जो आपकी मिट्टी यहाँ पर कैसी है, कितना लोड सहन कर सकती है, तो उसके परीक्षण के लिए यहाँ पर मिट्टी का सैंपल लिया गया था और भेजा गया है। और ये थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर देखिए तैयार किया गया है, इस वजह से कि इसमें देखा जाएगा कि किस हिसाब से कितना लोड आने वाले समय में जो ब्रॉड गेज की ट्रेनें हैं वो सहन कर सकेंगी। परीक्षण के बाद सब कुछ स्पष्ट होगा। तो अभी आप लोगों को सैंपल हम आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह से सैंपल लिए गए हैं और परीक्षण के लिए कहाँ भेजे गए हैं इसकी जानकारी नहीं है। गर्मी इस बार बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसी वजह से काम की जो रफ्तार है वो थोड़ी सी धीमी है। उम्मीद यहीं की जा रही है एक हफ्ते के अंदर जो मानसून है वो आ जाएगा, यूपी में भी प्रवेश कर जाएगा। तो जो आपकी ये जो भयंकर गर्मी इस समय लगभग 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चल रहा है वो बंद हो जाएगा, तब लगभग 37-38 के करीब में रहा करेगा बरसात के मौसम में, ऐसी उम्मीद है। तो काम की जो रफ्तार है तब शायद बढ़ सकती है, हालांकि उस रफ्तार से नहीं होगा, बरसात में भी काफ़ी डिले हो जाता है काम, क्योंकि बरसात होती तो काम करते नहीं बनता है, फिर बरसात के बाद ही जो रफ्तार है इस काम में पुल बनाने में वो तेज़ी आएगी। तो सैंपल आप लोगों को दिखा देते हैं, पिछली बार जो सैंपल यहाँ पर से भेजा गया था, ये देखिए मिट्टी के नमूने किस तरह से भेजे गए थे। तो ये अलग अलग कहीं लैब में प्रयोग में शाला में भेजे गए हैं जहाँ पर इनका परीक्षण किया जाएगा कि किस तरह की मिट्टी है, और उस हिसाब से पुल को मजबूती दी जाएगी, उसी हिसाब से पुल का डिज़ाइन किया जाएगा और उस हिसाब से उसमें रॉ मटेरियल्स वगैरह इस्तेमाल किए जाएंगे। तो परीक्षण के लिए मिट्टी भेजी जा चुकी है, इसकी जब भी कभी अगर कोई रिपोर्ट मिलती है तो हम आप लोगों को बताएंगे, या सीधे जब भी कभी पुल बनना शुरू हो जाएगा तो उसका ही अपडेट देने लगेंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये अभी हिस्सा बचा हुआ है, ऐसे उस पार में हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। आप लोगों के लिए इस वीडियो को कासिम भाई ने बनाकर भेजा है। कासिम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें आबाद रहें। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इस वजह से कासिम भाई अपने काम पर नहीं गए, छुट्टी ले ली है कुछ दिनों के लिए, तो इसी वजह से उनकी बदौलत यहाँ का अपडेट मिल पा रहा है। तो वहीं बात चल रही थी पुल का, जो यहाँ पर निर्माण होगा ऐसे पुल बनाए जाएँ जो लगभग सैकड़ों साल तक चले, जिसका एक जीता जागता उदाहरण हम आप लोगों को बता रहे हैं, दिल्ली में बना लोहा पुल जो यमुना नदी पर बनाया गया है, लगभग 125 साल के करीब में उसकी उम्र हो गई है। तो ऐसे ही पुल बनाए जाते हैं जो सालों साल तक चले और किसी प्रकार की कोई घटना ना हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।